जय श्री राधे, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है शिव पार्थिव प्रतिष्ठा। जब हम कभी भी मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा कैसे होती है, उसके पूजन की विधि जो है मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज केवल मैं शिव प्रतिष्ठा ही बताने वाला हूँ, पार्थिव शिव पूजन, और संपूर्ण पूजन में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक बात आपसे कह दूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी सूचना मिल सके, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और उपयोगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दर्शकों, आपको पहले पवित्र इत्यादि, आचमन इत्यादि करके, संकल्प इत्यादि करके, स्वस्ति वाचन, भगवान का ध्यान इत्यादि करके फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो ये सारी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारे पूजन संकल्प इत्यादि सब के वीडियो मैंने बना रखी हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो मंत्र तो उसी समय बोलना चाहिए, लेकिन अगर हम बना लेते हैं उसके बाद प्रतिष्ठा करते हैं तो इस प्रकार बोलना। सबसे पहले भूमि से प्रार्थना की जाती है, जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो भूमि से प्रार्थना इस प्रकार करें। ओम सर्वाधारे धरे देवी त्वदरूपा मृत्तिका मिमाम ग्रहिष्यामि प्रसन्नात्वम लिंगार्थम भव सुप्रभे। इस प्रकार मिट्टी धरती माता से प्रार्थना करके, भूमि से प्रार्थना करके फिर मिट्टी का ग्रहण करना चाहिए, मतलब ऐसी भावना करनी चाहिए कि हम शिवलिंग बना रहे हैं, शिवलिंग आपने बना लिया है, तो इस प्रकार मिट्टी का ग्रहण करते इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम उद्रितासी वराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्तिके त्वाम च गृह्णामि प्रजया च धननेन च। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, प्रतिष्ठा ओम शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। इस प्रकार बोल करके, ध्यान करके फिर आगे प्रतिष्ठा का विनियोग इस प्रकार है, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का विनियोग। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजम ह्रीं शक्तिः रौं कीलकम् देवपति प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। नियोग करने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर के उसे मूर्ति से स्पर्श कराएं और ये मंत्र बोलते हुए। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ओम ऋग यजुः सामश्चन्दोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्य देवतायै नमः हृदि ओम आंग बीजाय नमः गुह्ये ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः ओम क्रोम कीलकाय नमः सर्वांगेषु। इस प्रकार न्यास करके पुनः पार्थिव लिंग का स्पर्श करें। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं सं हं सः सोहं शिवस्य प्राणा इह प्राणाः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं सं हं सः सोहं शिवस्य जीव इह स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं 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 हं सः सोहं शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस्त्वक चक्षुः श्रोत्र ग्राण जीव पाणी पाद पायुपस्थानि इहा गत्य सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा।
इसके बाद अक्षत छोड़ते हुए भगवान का आह्वान करें शिवलिंग पर। ओम भूपुरुषम सांब सदा शिवमावाहयामि। ओम भुव पुरुषम सांब सदा शिवमावाहयामि। ओम स्वः पुरुषम सांब सदा शिवमावाहयामि। ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत्तु यावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद न्यास करना होता है, वो आगे आप करेंगे। न्यास का पहले विनियोग करें। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषिर्निष्टुप् छन्दः श्री सदाशिवो देवता ओंकारो बीजम् नमः शक्तिः शिवाय इति कीलकम् मम सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम् न्यासे पार्थिव लिंग पूजने जपे च विनियोगः। इस विनियोग से अपने और देवता को दुर्वास अथवा कुशा से स्पर्श करते हुए अंगों से न्यास करें। भगवान के शिवलिंग को कुशा से स्पर्श कराएं और इस प्रकार मंत्र बोलते हुए ऋष्यादि न्यास। ओम वाम देवरसे नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे। ओम श्री सदा शिव देवतायै नमः हृदि। ओम बीजाय नमः गुह्ये। ओम शक्तये नमः पादयोः। ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे। ओम नम तत्पुरुषाय नमः हृदये। ओम मम अघोराय नमः पादयोः। ओम सिम सद्योजाताय नमः गुह्ये। ओम वामदेवाय नमः मूर्ध्नि। ओम यम ईशानाय नमः मुखे। ये ऋष्यन्यास करने के बाद में करन्यास करें। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नम तर्जनीभ्याम नमः। ओम मम मध्यमाभ्याम नमः। ओम सिम अनामिकाभ्याम नमः। ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम यम करतल ओम यम करतल कर्पृष्ठाभ्याम नमः। षडंगन्यास करें। ओम हृदयाय नमः। ओम नम शिरसे स्वाहा। ओम मम शिखायै वसट। ओम सिम कवचाय हुम। ओम वाम नेत्रत्रयाय वसट। ओम यम अस्त्राय फट। इसके बाद भगवान का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रवतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी प्राण प्रतिष्ठा। अब आगे के पूजन जो हैं भगवान के पार्षद नंदीश्वर वीरभद्र कार्तिकेय कुबेर जी कीर्तिमुख सर्प ये सब का पूजन की दूसरी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसमें जाकर के बड़े ध्यान से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको वीडियो शिव पूजन के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।